देखिए झींगा लाला कर रही है अंबिका। ये सूर्या क्या कर ली है, दांत को तोड़ रही है, टेढ़ा हो गया। ऐसा बनेगा ये देखिए, चार ठो पैकेट है दाल हमने रख लिया मिक्सर में, अब इसको पीस लेंगे। इसमें दाल के अंदर में ये अदरक और लहसुन को पीस कर इसके अंदर डाल देंगे। गाइस देखिए अदरक और हरा लाल मिर्च मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। पहले से भुर्जी को हम गर्म पानी से सानेंगे। देखिए गाइस मम्मी सूजी का बना रही है। देखिए सान के रेडी कर दिया पूरा बना के इस तरीके से मोमो वाला बर्गर। हेलो गाइस कैसे आप लोग, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज बनाने वाले हम लोग पीठा, देखिए किस तरह से बनाते हैं पीठा, आप लोग देखिएगा, वीडियो बने रहेगा। देखिए गाइस अंबिका क्या कर रही है, तो देखिए गाइस अंबिका आज पत्ता से पूरा प्रिंसेस बन रही है। यह देखिए चूल में किस तरह से लगा लिए, अंबिका को लगा दिया, ये ड्रेस लगा दिया, इसके स्कर्ट बना दिया पत्ता का। अंबिका अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अंबिका पूरा सुंदरी बन गई है प्रिंसेस। और यहाँ श्रेया भी आ गई है स्कूल से पढ़ाई कर कर। श्रेया देखिए सना अंबिका को देख के एक्साइटेड हो गई है पूरा, अंबिका भी खुश हो गई है। बोला जिंगा लाला हू। देखिए जिंगा लाला कर रही है अंबिका। दादी को दिखा दो, चलो अंबिका दादी को दिखाते हैं। जिंगा लाला, ए जिंगा लाला, जिंगा लाला। ये सूर्या क्या कर ली है, दांत को पूरा तोड़ रही है, टेढ़ा हो गया है। जिंगा लाला हू, जिंगा लाला हू। मम्मी ये खुदी से देखिए दादी को आइए दिखा दे। मम्मी जी देखिए अंबिका क्या दिखा रही है, आइए आपको ये पत्ता तो टांगी। हेलो गाइस कैसे हो आप, आज हम बनाने वाले हैं सूजी का पिट्ठा। और देखिए किस तरह से बना रहे हैं सूजी का पिट्ठा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब तक सनाया अंबिका पूरा देखिए सूजी लेकर बैठी हुई है। बोलो यह पैकेट का है सूजी पिट्ठा बनाने के लिए, ये देखिए। और सनाया अंबिका दोनों पिट्ठा बनाने के लिए सूजी से खेल रही है पैकेट से। ये देखिए देखिए सनाया गिर इसी ऐसा बनेगा, ये देखिए चार ठो पैकेट है, दोनों बहन खेल रही है सूजी। और यहाँ पर देखिए मैंने दाल फुला दिया है चना दाल सूजी के लिए। देखिए आप लोग ऐसा पीठा जानते हैं कि नहीं, आप लोग देखिएगा कमेंट करके बताइएगा। मैं जा रही हूँ सूजी का पीठा बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर चना दाल फूलने के दे दिया है, इसको पीस लूँगी। दाल हमने रख लिया मिक्सर में, अब इसको पीस लेंगे। देखिए चना दाल के साथ मैंने गोल मिर्च भी पीस लिया है, इसमें पड़ता है जो पीठा का मैंने बैटर बनाऊंगी इसमें। और देखिए गाइस मैंने दाल पीस लिया है यहाँ पे इस तरीके से, देखिए पूरा दाल को। इसमें दाल के अंदर में ये अदरक और लहसुन को पीस कर इसके अंदर डाल देंगे चना दाल के अंदर में। चलिए इसको पीस लेते हैं, चलिए रख लेते हैं इसको इस तरीके से, तब इसको पीस लेंगे। देखिए अदरक और हरा लाल मिर्च मैंने पीस के इसमें डाल दिया है, पहले से गोल मिर्च पीस के डाला होता है उसी के साथ दाल के साथ। अब बस इसमें जीरा पड़ेगा थोड़ा सा, मैं जीरा डाल देती हूँ और नमक। देखिए इसमें हम जीरा डाल देंगे इतना सा, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, दो टेस्पून नमक डालते हैं, दो चम्मच ज़्यादा नहीं, इसको मिक्स कर लें। देखिए जीरा और नमक डाल दिए हैं, अब इसको मिक्स नहीं करेंगे, जब मैं पिठा में डालूंगी उसके बाद मिक्स करूंगी, क्योंकि ये पानी छोड़ देता है चना दाल में इसलिए। चलिए गए सूजी का पिठा का रेडी करते हैं। यहाँ देखिए बड़ा सा वो में ले लिए हम सूजी, ये देखिए इस तरह से दरदरा सूजी पर नहीं होगा, देख रहे हम लोग में तो आदमी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग ज़्यादा करके सूजी लिए हैं उसको पिठा बनाने के लिए। सूजी को हम गर्म पानी से सानेंगे, देखिए गर्म पानी मैंने चढ़ाया था पहले से, पूरा खोला हुआ पानी है, इसे सान लेंगे हम।
चलिए हम लोग जाते हैं बरंडा में, क्योंकि इधर में सामने मनी बनेगा। यहाँ पे थोड़ा पंखा के बीच में मम्मी जी बैठी हैं और फिर श्रेया सोई हुई है, रोटी खा रही है सोकर। और यहाँ पर मम्मी जी देखिए बैठी हैं, अब बताएंगी। इसको सानना पड़ता है गर्म पानी से, पकड़ी मम्मी जी, थोड़ा भारी हो गया है। अब इसको यहीं पे सानेंगे हम लोग, गर्म पानी ले जाते हैं। यहाँ देखिए गर्म पानी ले लिए, अब यहाँ ये देखिए हमें पानी डला रहा है गर्म वाला सूजी। इसको सनाएगा गर्म पानी से, पूरा हार्ड होता है इसीलिए छोलनी से चलाया जा रहा है, क्योंकि हाथ चल जाएगा। देखिए गाइस, मम्मी सूजी का बना रही है, देखिए अच्छी तरह से। और देखिए सनाया, बहुत बनना है से सनाया, ये सनाया। ये देखिए गाइस, पूरा इस तरीके से हम लोग सान लिए हैं। देखिए कैसा नरम मुलायम पूरा सोना गया है, देखिए आटा जैसा इस तरीके से, पूरा जैसे आटा का लोई होता है ना चावल का, इस तरीके से हम सान लिए सूजी को पूरा। यहाँ पर देख रही है सनाया तंग कर रही है, अंबिका भी तंग कर रही है, बैठी हुई है, बार बार हाथ लगा रही है इसके अंदर। और ये पूरा अच्छी तरीके से सना गया है, देखिए सान के रेडी कर दिया पूरा। अब चले इसका जो बैटर मैंने रेडी किया है उसके लेने। यहाँ देखिए रेडी हो चुका है, इसको मिला दे रहा है, देखिए सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ देखिए टमाटर भी बॉयल हुआ है चटनी मारने के लिए, इसके साथ खाने के लिए। ये बैटर भी रेडी हो चुका है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ बनाने। और यहाँ पे मोमो का बर्तन उतर चुका है, इसी में इसको बॉयल किया स्टीम कर दिया जाएगा। सनाया पूरा तंग कर रही है, दादी चिल्ला रही है। यहाँ देखिए गाइस मोमो का बर्तन निकाल लिए है, उसी में स्टीम किया जाएगा पिठा को। और यहाँ देखिए मम्मी जो लोइया कर रही हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे ऑयल है, हाथ में हल्का हल्का लगा के इसको किया जाता है इस तरीके से। हमें तब तक इसमें हल्का हल्का ऑयल लगा दे रही हूँ इस तरीके से सभी में, इसमें सब में लगा दी हूँ, बनाते जाएंगे गढ़ेंगे इसको। देखिए गाइस, दादी आवा यहाँ पीतरी है सूजी का। देखिए गाइस इस तरीके से लोहिया को मैंने ऐसे से कर लिया है, इसको ऐसे किया जाता है इस तरीके से बनाकर। और इसके ऊपर चम्मच से मैंने जो बेटर बनाया डाला ना ऐसे रख देंगे उसके ऊपर, और इस तरीके से इसको मोड़ देंगे ऐसे, इसको इस तरह से राउंड कर देंगे। इसको गुजिया का सेप देना है, आप लोग कुछ भी का दे सकते हैं राउंड या कुछ भी, मैं इसको गुजिया का सेप दिए। देखिए पूरा ऐसा मैं बना के इसमें रख देंगे, बना के इस तरीके से मोमो वाला बर्तन में रख रही हूँ। यहाँ देखिए मम्मी जी बनाई है इस तरीके से, इसको एक एक करके बना के रखा जा रहा है। उसी तरीके से सभी को हम लोग करते जा रहे हैं। देखिए मम्मी भी कर रही हैं, मम्मी जी भी और मैं भी। सब बनाया जा रहा है इधर में, टेस्टी वाला पिठा बनने वाला है गाइस। आप लोग रेडी रहिए, मैं बना के दिखाऊंगी आप लोग को, दिखा रही हूँ वीडियो में। यहाँ देखिए गाइस सबको यह पिठा करने में पूरा लगा हुआ है, इधर अंबिका भी लगी हुई है, इधर सनाया भी लगी हुई है पूरा। आज तो पिठा अच्छा बनेगा मैम, देखिए यहाँ पर पिठा ठाप ठुक हो रहा है। देख रहे किस तरीके से भरा जा रहा है इसको, सब बना के इधर भी रखा जा रहा है और इसमें अंदर भी भरा हुआ है। देखिए इस तरह से पूरा भरा हुआ है और इसमें भी डाला जा रहा है।
ये दोनों बदमाश लगी हुई है काम पे। देखिए ईशान नया और अंबिका के तंग करने के वजह से हम लोग अंदर अब किचन के अंदर जा रहे हैं क्योंकि सब फेंक देगी ये लोग पूरा। हम लोग देखिए सामान लेके जा रहे हैं अंदर बनाने के लिए, नहीं तो पूरा फेंक फाक के सब गंदा कर रही है वो लोग किचन, इसलिए हम लोग किचन में आ गए बनाने के लिए। देखिए इधर में बनाया जा रहा है, वो लोग का डर की वजह से ये खराब कर रही है। गाइस देखिए सब भर चुका है, ये वाला भी भर चुका है और ये वाला भी पूरा भर्ती कर लिए हैं और यहाँ गैस चढ़ा दिया है हम यहाँ बना लेने के लिए। करके इसके ऊपर एक का ऊपर एक रख दिया जा रहा है, इसको ढककर लगा के लॉक कर दे रहे हैं, इसको बॉयल होने देंगे। बॉयल होने यहाँ देखिए गैस बॉयल हो रहा है, चेक करते हैं बॉयल हुआ है कि नहीं। अभी देखिए और बॉयल हो गया है, चम्मच से पकड़ रहा है जो तीनों में भरा हुआ है, तीनों अभी वैसे ही है देख रहे हैं, इसको और बॉयल होने देंगे। ये देखिए गैस बॉयल हो चुका है, पूरा भाप निकल रहा है अभी गर्म गर्म, मैंने एक अंदर इसका निकाला हुआ है, अभी और बॉयल हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखिए निकाल दिया थोड़ा सा मैंने इस तरीके से, और यहाँ देखिए इस वजह से बहुत गर्म है गैस, इसका देखिए अंदर का कैसा हुआ है, देखिए किस तरीके से इसको बॉयल होकर ऐसा हो गया है। गैस ये बहुत टेस्टी होता है, देखिए कितना स्पंजी और नरम होता है, तो चटनी के साथ सब्जी के साथ खाएंगे। देखिए चटनी बन के भी रेडी हुई है, टमाटर का चटनी डाला है हमने, पूरा स्पंजी जैसा हो गया ये देखिए टेस्टी। देखिए गैस अब मम्मी जी के लिए मैं निकाल रही हूँ थाली में यहाँ पिठा, देखिए गैस चटनी और पिठा जा रही हूँ मम्मी जी के देने, यहाँ टेस्ट करके बताएंगी। यहाँ देखिए मम्मी जी खा के टेस्ट करके बताएंगी। वाह और ये सनाया अंबिका देखिए दोनों खाएगी, रेडी है लेने के लिए खाएगी। दोनों पूरा मेहनत की है पीठा में। यहाँ देखिए मम्मी जी टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगा, पूरा टेस्ट है चटनी या पीठा। खा रही है पीठा, श्रेया का काट दिए है पीस पीस छोटा छोटा क्योंकि तोड़ ही नहीं पाती है गर्म में। क्या खा रही है श्रेया? देखिए गाइस इसके अंदर से क्या निकल रहा है, दाल डाला हुआ इसके अंदर, खाओ। देखो पीठा भी बहुत टेस्ट लगता है ना श्रेया, चटनी बड़ा छोटा बाबा। गाइस ब्लॉग को लोग यही बयान करते हैं कैसा लगा ये पीठा, कैसे प्लीज कमेंट कर बताइएगा।